नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल कवरेज न्यूज और मैं हूं आपके साथ शिव कुमार मिश्रा। हमारे साथ हैं आदरणीय आलोक पाठक जी, उनका स्वागत है और अभिनंदन। धन्यवाद। उत्तर प्रदेश में बड़ी एक समस्या कही जाए, बात कही जाए या फिर ऐसी खबर कही जाए जो एक बार फिर दलित और पिछड़ों पर हमला करती नजर आ रही। मैंने ये शब्द क्यों कहा, उसे आपको समझना पड़ेगा और समझने की जरूरत है। बीजेपी के पिछड़े वर्ग से आने वाले योगेश वर्मा की कल सूबे की राजधानी लखनऊ में सरेआम पिटाई कर दी गई। विधायक के गाल पर जो थप्पड़ रसीद हुआ वो विधायक के गाल पर नहीं था, उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था के गाल पर वो थप्पड़ था, सरकार के गाल पर वो थप्पड़ था और उसके अहंकार पर थप्पड़ था, उसकी गुंडागर्दी पर थप्पड़ था। थप्पड़ मारने वाला अंदर से इतना आतंकित था, मैं एक बड़ा घटिया शब्द यूज कर रहा हूं, कि उसे विधायक को देखते ही उसका खून खौलने लगा, वो बदला लेने के लिए आतुर हो गया, क्योंकि विधायक के साथ गनर थे। तो उसने जो बदला लिया वो थपड़िया के लिया। विधायक जी देखते रह गए। आपको याद होगा कि ऐसा एक वाकया नहीं सामने आया। मैं बीजेपी के एक सांसद इस दुनिया में नहीं रहे, उन्हें अपनी श्रद्धांजलि देते हुए आपको अवगत कराऊं कि संत कबीर नगर जिले की एक बैठक में सांसद जी का पारा चढ़ गया और योगी पार्ट बन के योगी जी के खास विधायक को उन्होंने ताबड़तोड़ कर दिया। एक ही सांस में 15-16 जूते चपड़ दिए थे। देखते रह गए लोग। ताज्जुब तो तब रहा कि उस घटना के चश्मदीद गवाह यूपी सरकार के कैबिनेट मंत्री भी अब हमारे बीच नहीं है, हम उन्हें भी अपनी श्रद्धांजलि दें। वो उस घटना के चश्मदीद गवाह थे और उसके बाद योगी के दबाव में भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व ने उस युवा सांसद की टिकट काट दी। बदले में उनके पिताजी को देवरिया से टिकट दिया गया, इस बार उन्हें भी टिकट काट दिया गया। मैं ये सब थोड़ी सी बातें आपको इसलिए समझाने का प्रयास कर रहा हूं। उसके बाद बीते दिनों एक और जिले में बैठक के दौरान विधायक और सांसद और जिला पंचायत अध्यक्ष तीनों मारा मारी कर बैठे थे। चुनाव को लेकर लगातार भाजपा आरोप लगाती रही कि सपा बैलेट पेपर लेके भाग जाती है, सपा पर्चा लेके भाग जाती है, लेकिन पिछले 7 वर्ष में कितने बार चुनाव का चीर हरण हुआ, विधान परिषद के चुनाव में देखा हमने, अब हम सहकारिता विभाग के चुनाव में देख रहे हैं। उससे आहत होकर उस वकील ने थप्पड़ मारा। दर्शकों को ये बताना चाहते हैं, उस महिला का अगर पर्चा विधायक जी लेके नहीं भागती तो उसके पति का खून सड़क पर खड़े होके नहीं खोल जाता। विधायक को देखते ही उसे पता लगा कि मेरी पत्नी को ब्लॉक अध्यक्ष बनने से सहकारी समिति का आपने रोका है, विधायक जी आप पर्चा लेकर भागे थे। इन सब बातों के बावजूद सरकार और संगठन आमने सामने। केशव प्रसाद मौर्य बीजेपी की बैठक में कहते हैं संगठन बड़ा होता है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी कहते हैं संगठन की क्या औकात है, सरकार बड़ी होती है, प्रशासन हम पर है। संगठन कह रहा है हम नोटिस दे देंगे, संगठन ने नोटिस जारी कर दिया। आलोक सर, मामला गंभीर है क्या? पिछड़े विधायक के चक्कर में सब मामला गड्डम गड्डा हो रहा है? देखिए, कुछ भी हो, भाजपा की किरकिरी हो रही है। कल जो है आपने बताया, भाजपा के लखीमपुर खीरी के विधायक हैं योगेश वर्मा, वहां अर्बन कोऑपरेटिव बैंक का चुनाव होने वाला था, उसके लिए नामांकन लोग दाखिल कर रहे थे,
सर सहकारी समिति का, सहकारी बैंक का, सहकारी बैंक का, अर्बन का नहीं, सहकारी बैंक का, अर्बन सहकारी बैंक का, कोऑपरेटिव बैंक। जी 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 जी, कोऑपरेटिव को हिंदी में सहकारी कहते हैं। तो वो आ रहे थे गनर के साथ, और सामने से जो वीडियो में दिखाई पड़ रहा है, जिनको लोग पहचान रहे हैं कि लखीमपुर खोरी बार एसोसिएशन के अध्यक्ष अवधेश सिंह आ रहे थे, और अब पता चल रहा है कि अवधेश सिंह भी भाजपा के सक्रिय सदस्य हैं। उन्होंने एक जोरदार हाथ रख दिया योगेश वर्मा जी के गाल पे, और वो पूरा वीडियो रिकॉर्डेड था, वायरल हो गया। कल योगेश वर्मा जी ने बयान दिया था उस घटना के बाद कि अवधेश सिंह ने हमारे गिरबान पे हाथ डाला, इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। खैर ये सब चल ही रहा था तब तक अवधेश सिंह की पत्नी मंजू सिंह, उन्होंने आरोप लगा दिया, जो कि बैंक की अभी तक पूर्व अध्यक्ष थी, जो चुनाव वो उन्होंने आरोप लगा दिया कि विधायक जी जो महिलाओं को छेड़ते हैं, वो एक अलग ट्विस्ट आ गया। उसके बाद खबरें चली कि गई कि विधायक को लखनऊ तलब किया गया है। ये जो खबरों का मैनेजमेंट है उसको समझिए पहले। तो पता चला सरकार ने तलब नहीं किया साहब, संगठन प्रदेश संगठन के महामंत्री धर्मपाल जी ने बुलाया था उनको, और प्रदेश अध्यक्ष ने बुलवाया था, वो मुलाकात करके चले गए। अब सुबह जो सुबह उनके आवास में बड़ी संख्या में कुर्मी और ओबीसी मोर्चों के नेता वहां पहुंच गए और बोलने लगे कि भाई विधायक जी आपका अपमान, हमारे समाज का अपमान, ये सब होता कोई न जानता, लेकिन एक ब्रिजेश मिश्रा जी हैं, ब्रिजेश मिश्रा भाई जो भारत समाचार वाले हैं, अब वो क्या करते हैं कि ऐसी चीजों की फोटो लगा के ट्वीट कर देते हैं। अब साहब ये पिछड़ा बनाम अगड़े की लड़ाई हो गई। इस एंगल को समाजवादी पार्टी मीडिया सेल ने कल इसी एंगल से ट्वीट किया। देखिए हमें नहीं पता कि अवधेश सिंह की बिरादरी क्या है। देखिए मैं पहले क्लियर कर दूं, यहां सिंह टाइटल कोई भी लगा सकता है, मैंने उनका जाति प्रमाण पत्र नहीं देखा, लेकिन सपा मीडिया ने इसको, योगेश वर्मा सबको मालूम है कुर्मी है, तो कुर्मी बनाम ठाकुरवाद बना दिया। शिवपाल यादव ने बहुत मजा लाया, तंज कसा, और ट्विटर पर लिखा जब सत्ताधारी पार्टी के विधायक ही सुरक्षित नहीं है तो आप इसी से समझ लिए कि कानून व्यवस्था का क्या हाल होगा। अब से थोड़ी देर पहले देखिए इस मामले में अभी तक प्रशासन की तरफ से कोई FIR दर्ज नहीं की गई। वीडियो साक्ष्य होने के बावजूद भी अब यहां यह भी बताना है कि विधायक जी ने तहरीर दी कि नहीं दी FIR करने की, और मंजू जी ने वीडियो पे बयान जारी किया है, उन्हीं का वीडियो ऐसा चेक करा लीजिए, पता नहीं बाद में कोई कह दे कि नहीं ये नकली वीडियो था जिसमें वो कह रही थी कि विधायक जी महिलाओं के साथ महिलाओं को सम्मान नहीं देते, उनके साथ छेड़छाड़ करते हैं। तो ये सब चल रहा है। इसी बीच में एक बड़ी चीज हो जाती है कि बीजेपी संगठन के जो प्रदेश के भाजपा मुख्यालय के प्रभारी हैं गोविंद नारायण शुक्ला, अरुण जी से मैं कहूंगा कि इसको जरा उनकी चिट्ठी को लगा दे, प्रदेश महामंत्री हैं, उन्होंने बकायदे एक नोटिस जारी किया है। किसको जारी किया है? अब श्रीमती पुष्पा सिंह, श्री अवधेश सिंह, श्री अनिल यादव और श्रीमती ज्योति शुक्ला। अब पुष्पा सिंह कौन है? ये जिला अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के चुनाव में नामांकन करने गई थी। तो पुष्पा सिंह, अवधेश सिंह सक्रिय सदस्य हैं भाजपा के, ठीक है, अनिल यादव जी भाजपा के जिलोपाध्यक्ष हैं, और श्रीमती ज्योति शुक्ला पूर्व सह संयोजक बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभी के जो उनका पोस्ट था उसकी उपाध्यक्ष हैं। इस नोटिस में लिखा गया है कि आप लोगों ने भाजपा के विधायक योगेश वर्मा और भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए श्री राजू अग्रवाल जो संयोजन व्यापार प्रकोष्ठ को, श्री रामकृष्णपुरी गांधी शक्ति केंद्र के साथ अभद्रता और दुर्व्यवहार किया है। इस मामले में गोविंद नारायण शुक्ला ने कहा है कि लखीमपुर खीरी के भाजपा जिलाध्यक्ष ने चिट्ठी एक भेजी है, उसी चिट्ठी का संज्ञान लेते हुए प्रदेश संगठन के भाजपा संगठन के महामंत्री
प्रदेश उत्तर प्रदेश महामंत्री श्री धर्मपाल जी और भूपेंद्र चौधरी के आदेश पर इन लोगों को कारण बताओ नोटिस जारी की गई है और बोला गया है कि दो दिन के अंदर आप बताइए कि आपने ये दुर्व्यवहार क्यों किया और आपका स्पष्टीकरण अगर सही नहीं पाया जाएगा तो आपके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। अब जनाब मेरे समझ में ये चीज तो मान लीजिए भाजपा संगठन का मामला है, विधायक जी को किसी ने थप्पड़ मारा, अवधेश सिंह ने आज तक से बातचीत में कहा कि मैंने नहीं मारा है, मतलब वो डिनाई कर रहे हैं भाई, यही मान सकते हैं भाई। आजकल आपका नाम अगर अवधेश सिंह है तो आप कुछ भी कह सकते हैं यूपी में खासकर, तो मानना पड़ेगा भाई अवधेश सिंह जी कह रहे हैं, नहीं मानिएगा तो सरकार नाराज हो सकती है। तो अवधेश सिंह का कहना है कि उन्होंने कुछ नहीं मारा पीटा है, ये खुद सब कुछ कराया धरा है वर्मा जी का। अब FIR तो लॉन्च हुई नहीं, क्यों नहीं हुई? कायदे से पुलिस की भी गलती है कि विधायक जी के साथ दो दो गनर चल रहे थे, उनके ऊपर क्या कार्रवाई हुई? भाई कोई आके आपको राह चलते आपके गाल पे दे जाता है, हैं? तो विधायक जी की मतलब सुरक्षा में भी कुछ भी हो सकता है भाई। तो ओबीसी मोर्चा, और बड़ी बात है कि ये नोटिस तब दी जाती है जब ब्रजेश मिश्रा सुबह ट्वीट कर देते हैं भारत समाचार के, ये ट्वीट लग भी गया है, देखिए वो ट्वीट में पढ़ के दर्शकों को सुना दे रहा हूं क्योंकि स्क्रीन पे वो ट्वीट लोग समझ नहीं पाएंगे, भारत समाचार तुमको समझ में आ जाएगा। अब देखिए जो ब्रजेश जी ने लिखा है, विधायक योगेश वर्मा की पिटाई से कुर्मी जाति बेहद आक्रोशित, शब्द पे ध्यान दीजिएगा, विधायक योगेश वर्मा की पिटाई से कुर्मी जाति बेहद आक्रोशित, नाराज कुर्मी समाज व ओबीसी मोर्चा विधायक के घर मिलने पहुंचे, सभी ने विधायक को पीटने वाले अवधेश सिंह, ध्यान दीजिएगा अवधेश सिंह पर कार्रवाई की मांग की, आरोपी अवधेश पर कार्रवाई न होने से आंदोलन करेगा कुर्मी समाज। इस लाइन पे ध्यान दीजिएगा सर, नीतीश कुमार समर्थन वापस ले सकते हैं क्या इस बड़े मुद्दे पर? नीतीश कुमार भी कुर्मी? अरे सर वो तो बात का मुद्दा है, कुर्मी समाज अगर आंदोलन कर देगा तो कुर्मी समाज ने अभी क्या हुआ था 2024 के लोकसभा चुनाव में, 2014 से जब से नरेंद्र मोदी जी भाजपा के प्राइम मिनिस्टर पद के उम्मीदवार बने थे तब से लगातार उत्तर प्रदेश का कुर्मी समाज एक तरफा भाजपा की तरफ वोट कर रहा था। नतीजा यह रहा कि 2014 में उत्तर प्रदेश में 80 में 73 सीट मिली, 2019 में 80 में 64 सीटें मिली, 2022 में भी बहुमत मिल गया भाजपा को विधानसभा में, लेकिन इस बार कुर्मी समाज ने बड़ी संख्या में भाजपा की जगह सपा को वोट दे दिया, कुटुंब बिखराव हो गया। नतीजा क्या हुआ कि भाजपा कुर्मी बहुलता वाली कई सीटें हार गई, जैसे अंबेडकर नगर देखिए वो तो खैर वैसे भी बसपा ने जीती थी, बस्ती हार गई, कई सीटों पे कुर्मी प्रत्याशी चुनाव जीतने में कामयाब हुए हैं। तो इसका असर अनुप्रिया पटेल को भी उठाना पड़ा, उनकी एक सीट हार गई वो अपनी, और अपनी सीट भी कसमकस पोजीशन में बचा पाई, यानी एक अपनी सीट तो बचा ली गई लेकिन वो जो सोनभद्र वाली सीट थी उनका मार्जिन कम हुआ, उनका मार्जिन मैं ये कह रहा हूँ कि अपनी सीट कसम कस बचा पाई, मैं सीटें बता रहा हूँ बचा पाई, एक बता रहा हूँ मैं आपको सीटें जो हारे हैं, फतेहपुर हारे हैं कुर्मी समाज की नाराजगी की वजह से, रायबरेली हारे हैं, अमेठी हारे हैं, प्रतापगढ़ भी हारे हैं, इलाहाबाद भी हारे हैं, मिर्जापुर में बड़ी मुश्किल से इज्जत बची है, तो कई सीटें मैं गिना सकता हूं, बस्ती भी हारे हैं, तो सीटें कई है जहां पे कुर्मी समाज की नाराजगी बहुत भारी पड़ी है। इस प्रोग्राम का लब्बो लुआब जो आप कहना चाह रहे हैं वो ये है कि उपचुनाव पर बड़ा असर पड़ जाएगा योगेश वर्मा का थप्पड़, ये देखिए मैं नहीं कर रहा हूँ, ब्रजेश मिश्रा का ट्वीट बता रहा है, मैं तो आंकड़े बता रहा हूँ।
आंकड़े पर ही हम डिस्कस कर रहे हैं, हम और आप गवाह नहीं है इसके। इसका तथ्य ये है कि ब्रजेश मिश्रा का ट्वीट ये कहता नजर आ रहा है कि भाजपा, उन्होंने वो बताया कि कुर्मी समाज के नेताओं ने जाके क्या बोला है। योगेश वर्मा के घर गए लोग, सुबह सुबह पहुंच गए, फोटो भी लगी है स्क्रीन पे, देख लीजिए, उद्वेलित है कि कुर्मी समाज का अपमान हो गया है। और आप और इस वक्त भाजपा के जो संगठन मंत्री हैं वो भी पिछड़े समाज से आते हैं, तो शायद धर्मपाल जी को लगाया गया, भाई साहब को, भूपेंद्र चौधरी को लगाया गया है, पार्टी ने सोकाज नोटिस भी इशू कर दिया है। अब एक राजनीति में आलोक सर, सोकाज नोटिस का कोई महत्व नहीं होता है, वो नहीं, बिल्कुल महत्व होता है सोकाज नोटिस का जी भाई, आप ऐसे तो निकाल नहीं सकते ना, पहले तो सोकाज नोटिस देनी पड़ेगी ना। नहीं, वो केवल एक सिस्टम है कि हमने नोटिस दे दिया, आप समझेंगे, अगर आक्रोश थम जाएगा तो नोटिस। कुर्मी समाज ने धरना प्रदर्शन कर दिया और उनके साथ अन्य पिछड़ी जातियां में जुट गई तो क्या होगा? अभी हरियाणा में आपको बहुमत इसलिए मिला कि हरियाणा की पिछड़े जातियों ने नायब सैनी जो हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं उनके पीछे खड़े होके एक तरफा वोटिंग की है भाजपा को, और भाजपा हरियाणा में सरकार बचाने में कामयाब रही। उत्तर प्रदेश में पिछड़ों ने आपका साथ दे छोड़ दिया, 2024 में आप 64 से गिरे सीधे 33 पे आ गए। अब एक और महत्वपूर्ण ट्वीट है इस मामले पे, पत्रकार अभिषेक उपाध्याय वो लिखते हैं, स्क्रीन पे लग भी गया है, लखीमपुर थप्पड़ खंड मामले में बड़ी खबर, विधायक योगेश वर्मा को थप्पड़ मारने वाले बार एसोसिएशन के अध्यक्ष हृदय सिंह, उनकी पत्नी बीजेपी नेता पुष्पा सिंह को कारण बताओ नोटिस जारी। विधायक योगेश वर्मा को पुलिस कर्मियों की मौजूदगी में सरेआम थप्पड़ मारने वाले अवधेश सिंह के खिलाफ अब तक नहीं हुई कोई भी प्रशासनिक कार्रवाई। भाई देखिए, पिछड़ा और ओबीसी समाज पूछ रहा है ना कि ये अवधेश सिंह, सर यहाँ मेरा एक सवाल है छोटा सा, उसका जवाब देते जाइए। विधायक के थप्पड़ के बाद FIR दर्ज नहीं हो रही है, आम आदमी के थप्पड़ पर क्या होता होगा इस प्रदेश ना विधायक? अब ये मुझे पता नहीं कि विधायक जी ने थप्पड़ के लिए थप्पड़ मार खाने के बाद FIR के लिए प्रार्थना पत्र दिया नहीं दिया, लेकिन पुलिस को ऐसे मामले में खुद संज्ञान लेके कार्रवाई करनी चाहिए। आगे लिखा, अब संगठन ने लिया है घटना का संज्ञान, जल्दी हो सकती है कठोर कार्रवाई। अब आप समझिए, एक तरफ की उत्तर प्रदेश में चल क्या रहा है, एक तो केशव मौर्य योगी जी से उन्होंने दूरी बना ली, एक बहुत बड़ा सच है, ज्यादातर कैबिनेट मीटिंग में नजर नहीं आते हैं। जब से चुनाव नतीजे आए हैं तब से अब तक कई कैबिनेट मीटिंग हुई जिसमें ज्यादातर में वो उपस्थित नहीं रहे हैं। उसके अलावा जब भाजपा की हार के बाद जुलाई के दूसरे हफ्ते में उत्तर प्रदेश भाजपा कार्य समिति की बैठक हुई तो उसमें उन्होंने कहा कि संगठन सरकार से बड़ा होता है, आप ध्यान से सुनते जाइए। दूसरा, आज भी बड़ी संख्या में ओबीसी नेता रोज केशव मौर्य से मिलने जाते हैं, मैं कुछ कि बड़ी संख्या में नेता जाते हैं और ये जो नेता जाते हैं उनके साथ जिस तरह से केशव जी फोटो खिंचाते हैं उसमें दिखता है कि उससे साफ लगता है कि ओबीसी और दलित नेताओं को केशव जी अपने स्वाभाविक नेता लगते हैं। तो और समझिए इन चीजों को, शिव कुमार जी, अब ये संगठन बनाम सरकार की लड़ाई में कौन भारी पड़ेगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन अगर सिर्फ दिखाने के लिए सोकाज नोटिस दी गई है और कोई कार्रवाई नहीं होती है तो अब लॉलीपॉप से मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश का जो ब्रजेश मिश्रा जी के ट्वीट में है वास्तव में ऐसा कहा होगा ना, तभी उन्होंने ट्वीट किया कि अगर कोई कार्रवाई नहीं होगी तो कुर्मी समाज आंदोलन करेगा। अभी तो आप देख ही रहे हैं कि 69,000 शिक्षक भर्ती आंदोलन में ओबीसी और दलित समाज के 7-8,000
अभ्यर्थी लगातार 4 साल से धरना प्रदर्शन कर ही रहे हैं। अब यादवों के बाद जो सबसे बड़ी आबादी वाला ओबीसी जाति अगर वो भी अपमानित महसूस करके अगर सड़कों पर आंदोलन करेगा, और ऐसे समय में जबकि अभी उपचुनाव होने हैं विधानसभा के, अयोध्या कई जगहों पे जिसमें कई कुर्मी बहुत सीटें हैं, चाहे मिल्कीपुर वैले सुरक्षित रहे वहां भी बड़ी संख्या में कुर्मी है, अंबेडकर नगर तो कुर्मियों का जिला ही माना जाता है, जिस विधानसभा में उपचुनाव होना वहां पे पिछला विधायक कुर्मी ही था। उसके बाद आप आते हैं फूलपुर, वो भी कुर्मियों कुशवाहों का गढ़ है। मिर्जापुर में भी दलित और पिछड़ों की ज्यादा आबादी है, कई सीटों पे इसका फर्क पड़ेगा। करहल पिछड़ी वर्ग की प्रमुख सीट है। नहीं, करहल में तो मान लीजिए 45% यादव है। नहीं, पिछड़े वर्ग की तो प्रमुख सीट है। हाँ, लेकिन 45% तो वहां यादव वोटर है, तो यादव वोटर तुमको मिलेगा नहीं, क्योंकि ऐसी नीति योगी जी ने अपनाई है कि यादव को ना, वो मतलब ऐसा लगता है कि मतलब यादवों के बीच में और योगी प्रशंसकों के बीच की दूरियां कम नहीं हो रही है। इन चीजों को समझिए आप। लेकिन सर, इस विधायक के थप्पड़ की आवाज, इस विधायक की थप्पड़ की धमा किस किस को लगेगी, सरकार को या संगठन को? देखिए, लगेगी तो सरकार को ही लगेगी। 69,000 शिक्षक भर्ती के, अब जो 8,000 अभ्यर्थी थे जो 4 साल से आंदोलन कर रहे थे कि हमारा हमारे आरक्षण का हमारे हमारे लिए आरक्षित सीटों पे सामान्य वर्ग का चयन हो गया, 3 साल 4 साल तक आपने नहीं सुनी वो गांव गांव उन्होंने बोला था लोकसभा चुनाव के पहले, विधानसभा चुनाव में भी बोला था उन्होंने, नतीजा हुआ कि पहले 325 से 275 पे आए और अब की बार तो आप देख ही रहे हैं क्या हाल हुआ है। और अब दलित और पिछड़ा वो गोदी मीडिया नहीं देखता है। आज ये भी पता चला कि बहुत सी जगह इस खबर को टोन डाउन करने के लिए आदेश दिया गया था कि इस खबर को ज्यादा प्रमुखता से न छापो। तो खबर दबवा लेने से आपका वोट तो कम हो रहा है। योगी जी को जांच करानी चाहिए, कौन लोग हैं। और भाई, बीजेपी तो कहती है सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास। बिल्कुल बिल्कुल। और योगी जी बार बार बोलते हैं माननीय यो नरेंद्र मोदी जी के दिशा निर्देशानुसार वो दिन रात मेहनत करते हैं। तो ये योगी जी को इस वक्त एक कड़ा संदेश देना चाहिए, इस मामले में जो भी दोषी हो उस पे सरकार भी कड़ी कार्रवाई करे और संगठन भी कड़ी कार्रवाई करे। चलिए, बिल्कुल बिल्कुल, आपने बड़ी गंभीर बात कह दी कि इस समय उत्तर प्रदेश में ये लड़ाई संगठन बनाम सरकार दिख रही है। विधायक सरकार का अंग है, संगठन के लोगों ने थप्पड़ मारा है, संगठन एक्टिव हो गया, सरकार ने विधायक को लेकर FIR दर्ज नहीं कराई, सार्वजनिक स्थान पर पिटाई का पुलिस को भी सुमोटो संज्ञान लेना पड़ेगा। जो विधायक जी के साथ जो गनर चल रहे हैं उनपे भी कार्रवाई होनी चाहिए। आखिर इतने बड़ी घटना के बाद आप क्यों नहीं FIR लिखाने गए, आपने पुलिस को क्या सूचना दी? ये सब बातें पब्लिक डोमेन में आनी चाहिए। इन सब बातों पर विधायक जी कहीं ऐसा तो नहीं विधायक जी इस घटना का पॉलिटिकल माइलेज लेना चाह रहे हैं, ये भी गलत है। अगर हमलावर का हौसला बढ़ता चला गया तो हमलावर और क्या आगे कार्यवाही करेगा, इसको समझने के लिए समस्या है। कानून की भी सबसे प्रथम दृष्टया तो कानून का फेलियर है, दोनों गनर्स को एक्टिव रहना चाहिए था। सर, वैसे छोटे छोटे मामलों में अवधेश सिंह जी थप्पड़ मारे ही नहीं है, वीडियो में लोग बता रहे कि वो अवधेश सिंह ही है, तो ऐसा तो नहीं उनका कोई बहुरूपिया है। देखिए, कई बार होता है कि किसी शक्ल के दो आदमी होते हैं, तो इसकी भी जांच करा लेनी चाहिए। मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं कि इस मामले में पुलिस की खामोशी किसी भी हद तक
प्रशासनिक व्यवस्था पर ये चोट पहुंचा रही है। अब देखिए पुलिस तो देश के राजनीतिक राजनीतिक जनप्रतिनिधि अगर सरेआम पुलिस की मौजूदगी में सड़क पर पिटेंगे और छोटे छोटे मसले गली मोहल्ले पर 151 की कार्रवाई होती है, इस मामले में क्या पुलिस ने दोनों पक्षों को बाधित किया? मान लीजिए विधायक जी को ना किया जाता, क्या वकील साहिब को बाधित किया? क्या इस पर कुछ बातचीत हुई? सरेआम पिटाई सड़क पर, विधायक जी के गाल पर थप्पड़, ये सरकार के गाल पर थप्पड़ है, विधायक जी के गाल पर थप्पड़ ये भारतीय जनता पार्टी के गाल पर थप्पड़ है, उन्हीं का कार्यकर्ता उन्हीं के विधायक को सरेआम पीट देता है। लेकिन उनके नेताओं को ये सवाल करना चाहिए कि विधायक जी आप नॉमिनेशन फार्म लेकर क्यों भागे थे? आप जनप्रतिनिधि हो, चुनाव से दूर रखते, आपने इसी चुनाव को लेकर बीजेपी के पूर्व विधायक का ऑडियो सुन चुके हैं। उन्होंने कहा हम जूते से सुधार देंगे, हम जानते हैं सुधारना कब कितनी डोज देनी होती है, मेरठ का ऑडियो सुन चुके हैं आप। उसके बाद वो तो आप बात ही मत करिए, सत्ता कहते ना कि अब मैं उसमें कुछ बोलना नहीं चाहता हूँ क्योंकि ये रोज देखते देखते बोलते बोलते मैं थक गया हूँ। अगर अखिलेश यादव जी का जमाना होता तो स्क्रीन पे नोएडा वाले अपनी स्क्रीन पे टीवी स्क्रीन पे अखिलेश यादव की फोटो लगाते और यूपी का जंगल राज बताते थे, लेकिन अब उनको ये राम राज्य दिखता है, अब वो फोटो नहीं लगा पाते योगी जी की। और सर अब राम राज्य नहीं रहा है, एक 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 ग्रुप मोदी जी की फोटो चलाता है, उन्हें 24 घंटा प्रधानमंत्री पद से हटाता है, एक ग्रुप दूसरे ग्रुप को करता है, फोटो को भूल जाइए। अब एक स्क्रीन पर आपको दिखेगा थोड़ी देर में बस नीतीश और नायडू समर्थन वापस लेने जा रहे हैं, उन्हें बता के जा रहे हैं कि चलिए हम जा रहे हैं आप पहुंचो। उसके बाद एक ग्रुप हटता है, वो कहता है बस मोदी जी माने सर्वशक्तिमान, हरियाणा में आपने देखा जलवा कामयाब, मोदी के आगे सब फेल, और उत्तर प्रदेश के अखबारों की हेडलाइन हो जाती है यूपी की ट्रिक हरियाणा की हैट्रिक। मैं तो समझ नहीं पा रहा हूं इस देश का नेता कौन है, इस देश को चला कौन रहा है। सर्वे संत निरामया, सर्वे सुखंत, और वो जो बातें हैं वो बदल दीजिए, अपना अपना नेता अपना अपना काम, अपनी अपनी डफली अपना अपना राग, वो तो सर पुरानी कहावत हो गई, अपना अपना नेता अपना अपना काम और अपने अपने कांटे और अपने अपने आम, जहां जिसको कांटे लगे चुभो दो और जहां जिसको अच्छा लगे आम समझ के चूस लो। ये राजनीति का नया नए करिश्मा आ रहे हैं, आप देखिए किस तरीके से इस देश की राजनीति बदल रही है। AIMM नाम की एक पार्टी है, वो 1,00,000 मुस्लिम पैगंबर के नाम पर रोड पर चलते हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में एक मुस्लिम पर FIR नहीं होती है। यूपी में कुछ जिले में कुछ मुस्लिम युवक उसी रैली को देखकर उत्साह में पैगंबर साहब के खिलाफ किए गए बयान पर सड़क पर आ जाते हैं, हर जगह FIR हो गई, सब जेल भेज दिए गए। ये खेल मुसलमान भाइयों को भी समझना पड़ेगा, बच्चों को सुरक्षित रखने के लिए इस खेल के भीतर तक जाना पड़ेगा। चुनाव के दौरान पैगंबर साहब के खिलाफ बयान देने वाले ये बयान वीर कौन है? बड़ी गंभीर आपको बात कह रहा हूं, इस देश में क्या हो रहा है सबको समझना पड़ेगा। आलोक सर देश किस मुकाम पे खड़ा हो गया है? चुनाव तो हिंदू बनाम मुसलमान पर ही होगा, इसके अलावा कुछ बचा नहीं है। हमारे पास कोई नियम है न कानून है, हमारे पास न काम है न धाम, हमारे पास न रोजगार की कोई उपलब्धि है, न महंगाई रोकने का कोई नाम। हम चुनाव लड़ेंगे सिर्फ हिंदू मुसलमान, शमशान कब्रिस्तान, पाकिस्तान और अफगानिस्तान, इसके अलावा हमारे पास कोई मुद्दा नहीं है। इसी के साथ आपसे भी हम विदा ले लें, इसी में भलाई है। खबर पूरी हमने दर्शकों को बताई और आपसे ले लें भलाई, इसी में हमारी विदाई, इसी में भलाई है। नमस्कार।